सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। तो यार आज वकास और मैं जा रहे हैं पीर चनासी कश्मीर, और हमारे साथ अशबा भी है। तो जाते हैं, गाड़ी में बैठा है, तो जाते हैं, सीन्स चेक करते हैं। वहाँ बड़ी फिट जगह है, बहुत मज़े की जगह है। क्यों वकास भाई? जी जी बिल्कुल। बस अभी हम 10 मिनट में निकल रहे हैं, फिर एक जगह पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर सीधा चलेंगे हम पीर चनासी। आज तो मौसम भी ज़बरदस्त है, क्यों वकास भाई? जी जी बिल्कुल। मौसम कैसा होगा वहाँ पे? सो यार गाइज, अभी हम कश्मीर पहुंच गए और यहाँ पे तो यार बहुत मजा आ रहा है, मौसम भी जबरदस्त है। क्यों वकास? जी जी बिल्कुल, मजा आ रहा है। बारिश का भी इम्कान है। बारिश का भी इम्कान है। हाँ भाई अश्वा, मजा आ रहा है भाई। फर्स्ट टाइम निकले हो आप तो। सही सही, सामने नहर चल रही है, यहाँ पे स्टॉप हुआ है हमारा कोई 10 से 15 मिनट का। तो चाय शाय का सीन है यार गाइज, आप पता नहीं कैसी है। आप ये तो स्टिंग वाली मखलूक है, मैं तो चाय पी। नहीं चाय आगे पियेंगे। इस्लामाबादी लोग बर्गर सोए हुए हैं, मम्मी डैडी। ऑलराइट, सो यार काफ़ी सफ़र के बाद हम पहुंच गए पीर चनासी, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम डिनर ये लंच कर रहे हैं, उसके बाद सीन्स आगे के ये हैं कुछ, और जो अज्यूम किया था उस तरह का तो नहीं है खैर, लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल बेहतरीन सीन है। अगर ज़्यादा वेदर अच्छा होता तो काफ़ी मज़ा आना था, लेकिन यहाँ पे ठंडी हवा बहुत है। कैसे क्यों अशबा यार, ऐसे वैसे आप तो सो गए थे यार, नींद आ गई। तो यार वकास तो आगे गया हुआ है, उधर ऊपर बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा ऊपर, वकास को ज़्यादा ऊपर बैठने का शौक है। वो दिखा, वो वहाँ जाएंगे सीधा नीचे वादी। अभी हम गाइस जो है ना ट्रैकिंग करेंगे, अभी खाना खा के हम सीधा इस साइड पे जाएंगे उस ट्रैक पे, और ओवरऑल सीन ये है। आपको ज्यादा ऊपर बैठ के मजा आता है। सो गाइज, अभी रिफ़्रेशमेंट हो गई है हमारी, खाना शाना खा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे इस साइड पे ना। तो गाइज रेडी हैं, बॉयज़ चले? चलो यार, लेकिन सफ़र थोड़ा मुझे लग रहा है कि 2 घंटे हमें लग जाएंगे अप्रोक्सीमेट। 2 घंटे नहीं लगेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 या 30 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जहाँ से थक गए तो वापस सीधा। मंगी साहब, जी जी बिल्कुल, आपका क्या इरादा है? फुल इंशाल्लाह टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाओगे? मंगी साहब आपकी टांगे गवारा करेंगी वहां तक जाने के लिए। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपने तो बड़े बड़े देखने थे ना पहाड़। बड़े बड़े पहाड़ देखे थे यार ये, लेकिन ये इतने बड़े पहाड़, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखेगा। ख्वाहिश है। अच्छा चलो गाइस, ठीक है फिर रास्ते में मिलेंगे इंशाल्लाह, क्लिप बनाता रहूंगा और जुड़े रहिए वीडियो में। हाँ भाई अशफा, इस्लामाबादी दूध शुदू पी के आया है ट्रैकिंग से पहले। तुम इस्लामाबादी हो ना, थक जाती हो जल्दी से। तुम कौन सा जो हो? वो मंगी समझाया आपने, मंगी मंगी क्या बोल रहा है, मेरी अभी से टांगे कांप रही हैं। सही है ना, यो सीन बनाया हुआ है उसने। तो यार गाइज ओवरऑल बेहतरीन सीन है यार,
अभी मौसम अच्छा हो गया है, मज़ा भी आ रहा है। और आपको लग रहा होगा कि यार हमें गर्मी लग रही होगी, धूप है। नहीं यार, बहुत ठंडी हवा है। और हमने वहाँ पे हाथ मुँह धोया है, यकीन करें इतना ठंडा पानी था कि। तो गाइस फिलहाल रेस्ट हो रही है, ये बॉयज़ रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। थके तो नहीं हो माजिद भाई? नहीं थके। तो यार हम वहाँ से आए थे, तो ये अभी काफ़ी सफ़र हो गया है हमारा, अभी ऊपर जाना है हमने कोई 25-30 मिनट, उसके बाद फिर सीधा वापस। मलिक नारायण नदी साइड है, थक गए हो? मेरा एक दोस्त था उनका का ना, वो पता नहीं कहता है, ये कहते कि ये दोस्त अपने हवाल छोड़ते हुए ये वीडियो बातें करवा लो इनसे, बस बातें हैं तो मलिक साहब मेहमान है, ये मेहमान के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी जी, ये आप इनकी बातें सुने और चाहे तो फॉरवर्ड कर सकते हैं आप थोड़ी सीन को, क्योंकि ये छोड़ने में माहिर हैं। ये बीच वाले जिसके पर ज़ूम कर रहा हूँ वो टॉप है जहाँ से अभी हम आए हैं। मलिक साहब कैसा लगा आप? जहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया। कैसा लग रहा जो है ना, बर्फ है। कैसा लगा आपको फिर पीर चिनासी? यार सही है, जबरदस्त यार, विजिट करने के लिए बेहतरीन जगह है। सही है, इधर लोग भी कम आते हैं, थोड़ी चढ़ाई भी बहुत हार्ड है। हार्ड है, बहुत हार्ड है। वो आपने कैप्चर किया चढ़ाई वाला? जबरदस्त किया है। बस ठीक है। तो गाइस काफी सफर हो गया है और मजा बहुत आ रहा है। क्यों आकाश गंडप्पा जी जी, ये किस चीज की चीखे मार रहे हो? ये पास तो भाई है, वो देख रहे हैं कि वापसी आवाज आती है। इस मूवी में वो चंपा चंपा कर रहे होते हैं ना, तो चंपा साथ ये चाह रहे हैं कि चंपा नहीं कोई और चीज आ जाए, आवाज दोबारा इनको कहे के माजिद बाजी। यार कालीचरण तो पीछे आ रहे हैं यार। कालीचरण कौन है? कालीचरण वो एक बस बंदा है, बंदा है क्या वो बताना नहीं है आपको, अच्छा नहीं लगता यार। और सुनाओ, मजा आ रहा है फिर आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपको कुछ याद आया होगा? क्या हमारा एक सबसे पहला ट्रिप था बरी इमाम का, बरी इमाम का, उसमें मंगी साहब की बात हुई थी? नहीं हुई थी, बाकायदा हुई थी, हुई थी सबकी, हुई थी सबकी, हुई थी बाकायदा। वो पहाड़ी से भी हार्ड था, वो पहाड़ी से भी हार्ड। अच्छा गाइज ये बताओ, वैसे जाली है उस साइड और इस साइड, मुझे समझ नहीं आ रही हम डेंजरस जोन में या वो डेंजरस जोन है, क्या कहते हो? बॉर्डर है इंडिया, सही बताओ? एलओसी है ना ये? अच्छा ये एलओसी पे इंडिया है ना, ये पाकिस्तान है। आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इंडिया जा सकते हो? जा सकते हैं ना, वापसी की गारंटी नहीं है हमारी। हाँ हम लेंगे ना, हम गारंटी लेंगे अगर आप हमारे साथ हो। ये गाइस देख सकते हैं कि हम एक पॉइंट पर आए इधर, और इधर से जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं पीर चिनासी। और ये देख सकते हैं आप, सारे बॉयज़ जो हैं थक के बैठ चुके हैं, और इन लोग का अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये आगे जाकर ना कुछ जो है ना कर सकें। ये देख सकते हैं मंगी साहब तो बिल्कुल लेट गए हैं। नहीं ट्रैकिंग में तो है यार, ट्रैकिंग तो बहुत मजा करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ये सामने नारायण का काम किया ना। मंगी सोच रहा है काश ये बर्फ में सिम लेकर जाता, 10-10 रुपए के टुकड़े करके। और रिव्यूज दो यार, क्या रिव्यूज है आपके? सर रिव्यूज दे दिए माशाल्लाह, बहुत ओवरऑल बहुत मजा आया, और ट्रैकिंग करने के बाद तो बहुत थक गए वैसे, रात को अभी जबरदस्त नींद आएगी। लेकिन जो भी बंदा पीर चिनासी आए यहाँ पे ट्रैकिंग, वाकई यार फैमिलीज के लिए भी बहुत बेस्ट है, फैमिलीज के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो गाइज ओवरऑल माशाल्लाह वेदर बहुत जबरदस्त हो गया है। तो फाइनली गाइज हम पीर चिनासी के बिल्कुल अपोजिट एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए, और बॉयज बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। माजिद भाई थक तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल नहीं थके, बिल्कुल नहीं थके। वकास भाई नहीं, बस मजा आया आपको? मजा आया यार, बहुत मजा आया। अशबा आप क्या कहते हो? यार वाकई में यार बहुत, हम तो दोबारा भी आना चाहेंगे। हाँ हम दोबारा भी आना चाहेंगे यार, जबरदस्त लोकेशन है, बहुत बेहतरीन। कश्मीर तो ये फर्स्ट टाइम था हम सबका ऑलमोस्ट,
तो अभी जाएंगे, अभी आधा घंटा हम यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे जैसे हम हाइकिंग करके आए थे, तो चाय शाय पियेंगे, उसके बाद फिर हमारी रवानगी है क्योंकि रात को हमने इस्लामाबाद भी पहुँचना है। तो अभी मोबाइल की स्टोरेज भी फुल हो गई है, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज़ हम अभी वापस आ गए हैं उस पॉइंट से, और अभी हम आ गए पीर चनासी, और अभी वकास चाय पिला रहा है, चाय शाय पियेंगे गाइज, तो उसके बाद फिर रवानगी है, कोई घंटे तक रवानगी है ना, 6 बजे तक रवानगी है। तो यार अभी ठंड हो गई है काफ़ी, मौसम चेंज हो गया है, अभी काफ़ी ठंड लग रही है, उसको बहुत ज़्यादा लग रही है ना, गिर रहा है ना, हाँ अभी इस जगह पे बहुत ठंड लग रही है। चलो चलते हैं फिर नीचे। तो यार फाइनली गाइज वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने पहुँचना था, पीर चनासी भी, और अशबा ने तो चादर निकाल ली है, ये बॉयज पकौड़े शकोड़े खा रहे हैं और चाय शाय का ऑर्डर भी दे दिया है। सो चाय शाय पी के फिर सीधा हम गाड़ी में, ये बोल कावा भी ना लेके छोड़ यार लाना के कोई नहीं, पता नहीं कावे में कितनी को। ऑलराइट सो यार गाइज अभी हम वापस आ गए हैं पीर चनासी से, और अभी हम मुजफ्फराबाद में हैं कश्मीर में, तो यहाँ बस चाय शाय का सीन है। तो उसके बाद यार अभी बैटरी काफ़ी डाउन हो गई है मोबाइल की, तो यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो, और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, इस तरह के ब्लॉग्स भाई बनाता रहेगा, तो फुल सपोर्ट करो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।